दोस्तों 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 दोस्तों, अरे भाई चैनल पे हो कि छोड़ के चल गए? तो आज हम बात करने वाले हैं कि फ्री फायर का 2023 में वापस आने वाला है। भाई बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं एंड कई लोगों का क्वेश्चन ये हुआ कि वापस मैं गेमिंग कम्युनिटी में क्यों आ गया। अरे क्या करूं भाई, तुम सपोर्ट ही नहीं करते। तो देखो, जो फ्री फायर है ना, उसको 5-6 महीने से ऊपर हो चुका है बैन हुए एंड लोग थक चुके हैं फ्री फायर की रिटर्न वाली वीडियो देख के एंड मैं बना के। तो देखो, बात ऐसा है कि गरीना की तरफ से ज़्यादा कुछ अपडेट आते नहीं है एंड जितने अपडेट आते हैं हम तो आपको बता ही देते हैं। तो देखो, सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि गवर्नमेंट ने गरीना को बैन किया तो वो अभी वापस आना ही नहीं चाहता, क्योंकि फिर से वो वापस आएगा एंड जो हमारी गवर्नमेंट है फिर से इसको बैन कर देगी। एग्जाम्पल के लिए आप BGMI को ले सकते हैं। तो गरीना जो भी गेम का जितना भी दिक्कत हो रहा है, वो 1% भी ऐसा चांस नहीं चाहता कि उसके गेम बैन हो। इसी तरफ उन लोगों की तरफ से कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है। अब मार्केट में अफवाह भी ऐसी उड़ी है कि फ्री फायर लाइट आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता यार, क्योंकि देखो ऐसे ही फ्री फायर हमारा 500 MB का गेम है, अब क्या 100 MB का गेम लाओगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारा जो पहले वाला फ्री फायर था वही रिटर्न करने वाला है, लेकिन कब तक करने वाला है वो किसी को नहीं पता। एंड अगर गरीना नया गेम बना के लाता है तो मुझे तो नहीं लगता कि जो पुराने ऑडियंस थे गरीना के, वो उससे सेटिस्फाई होंगे। और देखो, बात ऐसी चल रही है कि इंडिया में ई-स्पोर्ट्स वापस आ रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ये जो हमारा 2022 है ना, वो पूरा पनौती साल है गेमिंग कम्युनिटी वालों के लिए। तो देखो यार, ये 2022 बीतने दो, इसमें आप कोई होप लगा के मत रखो। जब 2023 आएगा ना, तो भाई सब कुछ नए से चालू होगा एंड शायद हो सकता है कि 2023 के बाद हम गेमिंग कम्युनिटी वालों का कुछ भला हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत सारा ज्ञान दे दिया एंड ज्यादा ज्ञान भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही एंड मैं आपसे लूंगा किसी और वीडियो में किसी ऑनेस्ट टॉपिक। पता चलेगा, टाटा बाय बाय।